गुड़गांव रेलवे स्टेशन, यहाँ से अब अपना सफर शुरू होता है। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस, हम लोग निकल पड़े हैं नई ट्रिप पे। सो अपूर भाई कहाँ कोने पे लेके जा रहे हैं भाई? मैं अभी जगह रिवील नहीं करने वाला हूँ, बट कहाँ जा रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बहुत दूर और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। एक बिल्कुल इंडिया के एक एक्सट्रीम एंड पे जा रहे हैं। तो भाई बिल्कुल एंड पे जाके वहाँ लंबी ट्रेन है, 17 घंटे की ट्रेन है। अपूर भाई 17 घंटे कैसे कटेंगे यार? ये चलाने वाले यार ट्रेन में यार, तो 17 घंटे की लंबी जर्नी है, उसको कवर करेंगे एंड देन वहाँ पहुँचेंगे। तो आप बने रहना, सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा कहाँ जा रहे हैं और किस चीज़ के पीछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है ना। तो बस अभी आगे मिलते हैं आपसे ट्रेन में। ट्रेन आने वाली है, स्टेशन पे वेट कर रहे हैं। सो गाइस, रात में आए थे और सुबेरे होने को आ गई है, ट्रेन अभी तक नहीं आई। इंडियन रेलवे जैसा कि लेट चलती है वैसे ही लेट चल रही है, एक्सपेक्टेड था। ये पीछे मैडम ना चिल्ला भी रही है स्पीकरों में, आप सुन सकते हो, ये 10-15 मिनट की लेट चल रही है। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेन लेट हुई है और उसकी वजह से इरिटेशन हुई है, कुछ हुआ है? ज़रूर कमेंट में लिख के बता रहा हूँ, अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करना हमारे साथ। बट फाइनली अब शायद आने वाली है ट्रेन एंड बस जैसी आ रही है फटाफट चढ़ते हैं और चलते। भाई फाइनली अब ट्रेन आ गई है, पीछे भागती दौड़ती हुई आप देख रहे हो ना, पता नहीं हमारा बोगी कौन सा है। अभी जाके बैठते हैं तो फिर देखते हैं आगे अपनी जर्नी कैसे होने वाली है। यार एसी के पोस्ट तो आगे चलेंगे भाई, क्या चक्कर है? अबे ये गलत दिखा रहे हैं फिर से। यार ये क्या है, बीच बीच में फिर से एसी के कोच निकल के आ गए भाई, ये क्या कंफ्यूज कर रहे हैं, मारेंगे लगता है आज ये। ये देखो ये फर्स्ट एसी के नज़ारे भाई, सामान रखने तक की जगह नहीं है, क्या हालत कर रखी है यार। ये कहाँ कहाँ घुसड़ घुसड़ के सामान रखना पड़ रहा है बिल्कुल एकदम। ये देखो ये अलमीरा है, अलमीरा शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। ये देखो आप, ये हाथ गया बस, इतनी हाथ में गई अलमीरा और ये ख़त्म हो गई, जो शुरू होती ही ख़त्म हो जाए। ऐसी अलमीरा दी क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। तो चार्जिंग का ये पॉइंट है, ये चार्जिंग का पॉइंट दे रखा है, तो ये चार्जिंग में पता नहीं फ़ोन को लगा रहे हैं तो फ़ोन काम नहीं कर रहा है। और दो सीटों के ऊपर एक पॉइंट है भाई, कैसे काम चलेगा आप मुझे बताओ। अगर आप दिल्ली एनसीआर से डेजर्ट नेशनल पार्क जाना चाहते हैं तो आपको दो ट्रेन मिलेंगी जिसका ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा यानी कि 17 घंटे का है। सुबह से चले, खाना पीना कुछ इस गाड़ी में मिल नहीं रहा, पैंट्री इस गाड़ी में कुछ नहीं। हम अपने साथ 2-4 सैंडविच लाए तो वही चला रहे भाई, लप्पू सी सर्विस है और खाने पीने को कुछ मिले ना भाई, कहाँ जावे इंसान, कहाँ जावे। दूसरा वो पुनीत सुपरस्टार वाली लाइन भी याद आ रही है मेरे को यार, वो छपरी सी सर्विस यार, जान ले लूँगे क्या सैंडविच तक, कब तक? अब रात में फिर सैंडविच कहाँ से लाएं भाई, ये तो खत्म ही हो गया। और ये आखिरी मिल्क की बॉटल है वो भी एक्सपायर्ड है, उसमें भी धोखा हो गया हमारे साथ। कल लाए थे 16 तारीख लास्ट डेट है यार इसकी यार, अब 17 तारीख को पी रहे कुछ हो आ गया। तो ये देख लेना भाई, ये व्लॉग हिट करा देना फिर इसके बाद। फाइनली आ गए भाई, जैसलमेर पहुंच गए। अभी इतना बड़ा ब्रिज, इतना सारा बड़ा बड़ा लगेज लेके चढ़ना भाई, कोई आ जाओ हेल्प करा दो यार। अब हम अपना एक गाड़ी से सामान शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी गाड़ी में, बिकॉज जहाँ पे डेजर्ट में अंदर जाना है वहाँ पे ये कार नहीं जा पाएगी। तो अब जिप्सी में बैठेंगे और अब अपने कैंप पहुँचेंगे। ये है गुडावनगढ़, यानी कि वो इकलौता रिजॉर्ट जो DNP से बिल्कुल लगा हुआ है। यहाँ पे आपको कंफर्टेबल रूम्स मिल जाएंगे जहाँ सारी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ के रूम काफ़ी स्पेशियस और खुले खुले हैं। अब यहाँ रात भर आराम करके कल सुबह मैं आपको इसके कैंपस का व्यू भी दिखाऊंगा और फिर हम अपनी फर्स्ट सफारी पे चलेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, Day 1 हमारी फर्स्ट सफारी डेजर्ट नेशनल पार्क के लिए। हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब यहाँ से निकलेंगे और अंदर पूरे डेजर्ट नेशनल पार्क पूरा घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे वाइल्ड लाइफ।
मैं अब आपको लेके चलता हूँ, हमारी जिप्सी हो चुकी है रेडी, हमारे जो होस्ट है यहाँ के अलियार भाई वो भी है रेडी, तो अलियार भाई का बस वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आते हैं। लो अलियार भाई भी आ गए। सो अलियार भाई गुड मॉर्निंग यार, कैसे हो? गुड मॉर्निंग भाई, बस बहुत बढ़िया। तो ये है अलियार भाई, ये यहाँ के हमारे होस्ट है। चले सर, बहुत बढ़िया। बड़े बड़े वुडलैंड फॉरेस्ट के बाद अब इस बार वक्त है रेगिस्तान में घूमने का, डेजर्ट में घूमने का। बट इतनी ठंडी हवा आ रही है सुबह सुबह, फीलिंग नहीं आ रही है हम रेगिस्तान में। कैंपस से बाहर निकलते ही हमें ये डेजर्ट फॉक्स मिलती है, जहाँ ये लैगर फाल्कन उसके पीछे पड़ा हुआ था। ओके सो गाइस, हमें यहाँ पे एक फॉक्स दिखी, डेजर्ट फॉक्स, दूसरा यहाँ पे एक फाल्कन है, लैगर फाल्कन। डेजर्ट फॉक्स को वाइट फुटेड फॉक्स भी बोलते हैं और ये रेड फॉक्स की ही एक स्पीसी है। इसको इसकी वाइट टिप टेल से आसानी से पहचाना जा सकता है। वैसे तो इनको डेजर्ट में किसी भी बड़े वाइल्ड प्रेडेटर से कोई खतरा नहीं है, बट इनको सबसे ज़्यादा खतरा फ्री रोमिंग डॉग्स यानी कि आवारा कुत्तों से होता है। दूसरी ओर ये लैगर फाल्कन है, ये ईगल से छोटे होते हैं और एक मीडियम साइज का बर्ड होता है। इन्हें छोटे शिकार करना पसंद है, जैसे कि रैट्स या डेजर्ट में मिलने वाली स्पाइनी टेल लिजर्ड्स। ये अपने आप में काफ़ी माहिर शिकारी होते हैं। हम यहाँ पे अभी DNP के एरिया में तो आ चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा टारगेट है, अभी हम सबसे पहले सवेरे जा रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक्चुअली में जिसके लिए हम इस ट्रिप पे आए हैं। हमें शूट करना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, जो कि वन ऑफ द रेयरेस्ट बर्ड है इन द एंटायर वर्ल्ड, जो कि ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है, मतलब ख़त्म होने वाली है। आखिरी कुछ 100-125 के आसपास बर्ड्स रह गई हैं और जो कि यहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। सो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये GIB यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रोटेक्टेड एरिया है। गवर्नमेंट ने ऐसे काफ़ी सारे प्रोटेक्टेड एरियाज काफ़ी सारी अलग अलग जगह पे बना रखे हैं, ताकि इस ब्रीड को बचाया जा सके और ये नेचुरली अपना जो है पूरा प्रोसेस फॉलो कर सके। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देखने के लिए गवर्नमेंट ने ये फेंसिंग लगवाई है। आप इस ओल्ड फेंसिंग एंड न्यू फेंसिंग के बीच में अपनी जिप्सी सफारी कर सकते हैं और अगर लकी हुए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देख भी सकते हैं। इस टाइप की सफारी करना मेरे लिए एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि यहाँ की फेंस की हाइट्स काफ़ी ज़्यादा रखी गई है नील गाय को जंप करने से रोकने के लिए, और इसी के चलते अगर कोई जानवर यहाँ दिखता है तो उसे कैमरे पे दिखाना एक अलग ही चैलेंज हो जाता है। थोड़ा आगे चलने पर हमें यहाँ पे कैमल दिखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वैसे ये एक वन हम्प्ड कैमल है। दुनिया में पाए जाने वाले 3 कैमल में से ये स्पीसी वर्ल्ड की 94% कैमल पॉपुलेशन को कवर करती है। अक्सर लोगों को लगता है कैमल यानी कि ऊंट अपने हम्प में पानी स्टोर करता है, पर ऐसा नहीं होता। कैमल का हम्प फैट यानी कि चर्बी से बना होता है। ये इस फैट को सूखे के दिनों में यूज़ करते हैं जब खाने की कमी होती है। हमको यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देख गया है अंदर घुसते ही, प्रोटेक्टेड फेंसिंग के वो पीछे दूर है, काफ़ी दूर है, तो वहाँ चिंकारास भी है कुछ, उनके साथ घूम रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की ना एक खासियत है, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, 15-18 किलो के आसपास तक का वेट चला जाता है, और अपना जो मेल होता है ना उसका एक आगे अलग से एक पाउच होता है, जिसको जब वो मेटिंग के लिए फीमेल को अट्रैक्ट करता है तो उस पाउच को लटका के डिस्प्ले करता है, जिसको एक उसका डांस भी कहते हैं, तो बड़ा ही सुंदर होता है और बहुत एक शानदार बर्ड है। इसको इवन रिकमेंड किया गया था जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया थे उनके द्वारा 1960 में, कि इसको इंडिया का नेशनल बर्ड बना दिया जाए, बट 1963 में पिकॉक को चूज कर लिया गया एंड पिकॉक को एक नेशनल बर्ड बना दिया गया, बिकॉज वो वाइड स्प्रेड सब जगह टाइप मिलता है उस टाइप से। मेरे साथ है यहाँ पे अलियर भाई। सो अलियर भाई,
क्या दिखेगा यहाँ पे? यहाँ पे दिखने के लिए मेरे लिए तो जो राजस्थान का स्टेट बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लोग ये डीएनपी उसी नाम से जानी जाती है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है, बट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को छोड़ के यहाँ पे वल्चर्स काफी आते हैं और फाल्कन भी आता है, वल्चर्स में सारे वल्चर्स आते हैं। तो काफी सारी एक्टिविटी विंटर में होती है। और मैमल्स? मैमल्स में डेजर्ट केट, डेजर्ट फॉक्स, इंडियन फॉक्स, चिंकारा, ये ब्लूहोल। डेजर्ट केट है उसका दूसरा नाम एशियाटिक वाइल्ड केट, एशियाटिक वाइल्ड केट तो जिसके ऊपर ऐसे ऐसे स्पॉट्स होते हैं अगर मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, तो बस तो उसको रात में ढूंढेंगे क्योंकि वो जो है अपना एक्टिव रात में, एक्टिव रात में होती है। अगेन अ कैट फैमिली, तो कैट फैमिली सुबह अर्ली मॉर्निंग और रात में इवनिंग में एक्टिव होती है, तो वो अपना टारगेट है बेसिकली आज का। और वो नाइट सफारी में करेंगे, वो एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला गाइस, वो नाइट में चलेंगे। बस्टर्ड को देखने के बाद काफी भूख लग रही थी, तो फिर टाइम था थोड़ा ब्रेकफास्ट करने का। अलियर भाई ने ब्रेकफास्ट के लिए पूरी तैयारी करी हुई थी और हमें बहुत प्यार से ब्रेकफास्ट सर्व भी किया। भाई अपनी किस्मत कुछ ऐसी, अपन को सब कुछ धूप में खाने को मिल रहा है। पिछली बार मैगी भी तपती धूप में, इस बार ब्रेकफास्ट भी तपती धूप में, लेकिन एटलीस्ट तेज धूप नहीं है अभी, इतनी तेज नहीं, लेकिन हवा चल रही है। हमारे ब्रेकफास्ट करने के वक्त बहुत प्यारी हवा चल रही थी, सो मैंने सोचा पहले बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर तसल्ली से आगे की सफारी को कंटिन्यू करेंगे। चिंकारा जो कि इंडियन गजल, वो देखने को मिल सकता है, कुछ दिख भी रहे हैं। ये है चिंकारा यानी कि इंडियन गजल, इनको गजल बेनिटी भी कहा जाता है। ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान का नेटिव डियर है। ये हिली टेरेन, डेजर्ट्स, ड्राई स्क्रब एंड लाइट फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। गर्मी में इनका फर रेडिश ब्राउन होता है और वहीं सर्दियों में ये बिल्कुल लाइट कलर के हो जाते हैं। ये एक बहुत ही शाय डियर होते हैं जिनको ह्यूमंस यानी कि इंसानों के आसपास आना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनमें मेल टेरिटोरियल होते हैं जो कि बाकी मेल्स को अपने एरिया में आने नहीं देते हैं। चिंकारा को देखने के बाद हमें एक मेल ब्लूबुल यानी कि एक नील गाय दोनों फेंस के बीच में जिप्सी ट्रैक पे मिलता है, जो कि हमसे बच के भागने के लिए इस जिप्सी ट्रैक पे आगे आगे भाग रहा था और फेंस से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, और रास्ता मिलते ही ये पूरी तेजी से दौड़ पड़ता है। फॉक्स से अभी फॉक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं, फॉक्स का अच्छा शॉट आ रहा है। बस्टर्ड को और ढूंढते ढूंढते काफी दिन चढ़ गया था और गर्मी भी बहुत तेज हो गई थी, जिसका मतलब अब कोई साइटिंग होना बहुत टफ हो गया था। सो फिर हमने भी डिसाइड किया कि आज की मॉर्निंग की सफारी को यहीं एंड करते हैं और दिन में लंच करके 4 बजे फिर से इवनिंग सफारी पे वापस आएंगे। वापस लौटते वक्त हमें हमारे रिजॉर्ट के सामने यानी कि गोडावनगढ़ के बाहर एक टॉनी ईगल मिल जाता है, जो कि इस गर्मी में शायद कोई शिकार की तलाश में यहाँ नीचे उतरा होगा। ये ईगल 1.5 से लेकर 2.5 किलो तक के वजन के हो सकते हैं और एक काफ़ी अच्छे शिकारी होते हैं, और इंटरेस्टिंगली ये स्कैवेंजर भी होते हैं यानी कि मरी हुई लाशों को खाने वाले। अक्सर आप इन्हें वल्चर्स के आसपास देख सकते हैं। इसे अच्छे से देखने के बाद हम आगे बढ़ गए और ये है गुड़ावनगढ़ यानी कि वो रिजॉर्ट जहाँ पे हम रुके हैं। कल रात में मैंने आपको इसके रात का बाहर का नज़ारा दिखाया था और आज दिन में मैं आपको ये पूरा रिजॉर्ट बाहर से दिखा रहा हूँ। अगर आपको इस रिजॉर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सारे सवालों के जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ और अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, इन्वायरमेंट में साफ़ सफाई बनाए रखिए।
जय हिंद।